क्यों किया इसने? सुनते है, बोला कि हम शादी ब्याह करेंगे, ये अपना घर पे हमको लेकर गया सिंदूर दे करके, और वहाँ गए तो उसका माता पिता पूरा परिवार ने हमको मार के भगा दिया घचीच करके। शहर में हैरान कर देने वाली एक तस्वीर देखने को मिली। खुद लड़की लड़के के पास पहुंचकर उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए मंदिर ले जाती है, जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों के बीच चलता है। लड़की शादी की जिद कर रही है, वहीं लड़का परिवार वालों की सहमति लेने की बात कर रहा है। लड़की की कॉलर पकड़ी इस लड़की का नाम करिश्मा है और यह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव की रहने वाली है, जबकि लड़की की गिरफ्त में यह युवक रोहित कुमार है जो इसी के गांव का रहने वाला है। 2 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ, जिसके बाद प्रेमी युवक के द्वारा प्रेमिका से शारीरिक संबंध भी बनाया गया, और जब प्रेमिका शादी के लिए दबाव बनाने लगी तब एक बार युवक ने लड़की के मांग में सिंदूर दिया और उसे घर ले गया, लेकिन घर वालों ने लड़की को घर से भगा दिया, जिसके बाद लड़की ने महिला थाने में अपने प्रेमी पर रेप का मामला दर्ज करा दिया। तो हम डायरेक्ट आए, ये बोला कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट थाना आए, थाना में मेरा केस नहीं लिया। गलत तब, भी किया तुमने? हाँ, मेरे साथ रेप किया इसने, मेरे साथ गलत किया, इसका भाई सबने भी हमको पकड़ धकड़ पूरा करने लगा, मारपीट भी किया था मेरे साथ। हम थाना आए तो मेरा केस नहीं लिया, तब हम महिला मसूदनपुर थाना, तब हम आए महिला थाना में मेरा केस लिया, मेरा रिपोर्ट बनाया सब। तब इसने फोन किया हमको, देखिए तुम ज्यादा केस को नहीं बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, यही बोलने लगा, हम तुमसे शादी करेंगे जो तुम केस मत बढ़ाओ, आगे नहीं बढ़ाइए, हम नहीं बढ़ाने लगे केस को, इसके ऊपर केस हुआ तो जाइबे करेगा ना पुलिस जाने लगा इसका घर पे, ये मतलब बेल का शुरुआत करने लगा। तब भी इसने फोन किया हमको कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे शादी एक तारीख को हुआ था, 1 जनवरी को मेरा घटना हुआ था 10 तारीख को, और इसी ने बोला कि हम शादी करेंगे, तब तो हम चले गए, इसके ऊपर केस हो गया, ये गुजरात भाग गया। गुजरात भागने के बाद वहाँ से फोन भी हमको किया इसने कि हम तुमसे शादी करेंगे, यही बोलने लगा। हम दूसरे जगह से ये बोला कि तुम घर आओ, हम भी घर। आज की क्यों सर, क्या किए हैं? हम गए वहाँ SP ऑफिस गए थे, वहाँ गए हमको, मतलब इसने बात करता था ना, बात करने लगा, मिलजुल होने लगा हमसे। आज क्या हुआ? आज का बात ना, पहले का बात बता रहे, जिसलिए हम गए हैं। आज हम गए वहाँ SP ऑफिस गए ना सर, को सारा घटना हम बताए कि ऐसे ऐसे हमसे, उसके ऊपर हम केस किए थे, उसका बेल हो गया सर, और हमसे मिलते जुलता रहा, हमको अभी गर्भवती है, 1.5 महीना का हमको गर्भवती है अभी सर। वो बोला कि आवेदन लिख कर दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, शादी ब्याह तुम्हारा करवा देंगे। तो वो बोला कि तुमको उसको पकड़ना होगा, मीडिया वाला के साथ में जलील करना होगा, तब तुम्हारा के SP साहब बोला हमको। तब इसके ऊपर 5 दिन से खोजारी में लगे थे, तब इसको आज पकड़े हैं हम। अब क्या कह रहे हैं आप इसको? ये बोला ना अभी सर कि हम चलो शादी करेंगे, आपके सामने में बोला है चलो हम शादी करेंगे, अभी ये इनकार भाग रहा है, छोड़ के हमको चला गया। अभी देखिए पूछिए इसको, बिना शादी किए नहीं छोड़ोगी? ना, हम शादी करेंगे तो करेंगे, इतना भी जान दे देंगे दवाई आन करके। क्या नाम है? मेरा नाम करिश्मा कुमारी हुआ। पहले से भी शादी हुआ है तुम्हारा? नहीं सर, पूछिए ना इसको पहले पूछिए सर। कहाँ है पति तुम्हारा, पहला पति? मेरा पहला पति जेल में है, रेप केस में गया है, जो गलती किया उसको सजा दिया है उसको। हाँ, हम ये हमको जबरदस्ती लाई है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ था? पहले मेरे ऊपर रेप केस किया था, रेप केस हमें बेल करा चुके हैं। अब ये जो मुझे जबरदस्ती बोला कि शादी करो, और इससे कोई बात नहीं, जब पहले तब बोले मेल कर लो, ये नहीं की, उसके बाद हम अपना बेल करा लिए। अब इसका ये कहा ऐसे कर रहे मेरे साथ। कहाँ से गट्टा पकड़ के लाई तुम? हैं, हम अपना काम कर रहे थे साइड पे, वहाँ क्या की? हैं, वहाँ बोला कि नहीं ऐसे तुम यहाँ बैठे हो, हम ऐसे ऐसा है, झूठो बोल रही है, मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ है। शादी करने के लिए आई क्या? नहीं, जबरदस्ती बोला कि चलो शादी करना होगा तुम। अभी बोलो क्या गलत काम? गलत काम उस टाइम किया था, रेप हो गया, मेरे ऊपर रेप केस करिए दिया। गलत किए क्या? गलत किए थे, जबरदस्ती रेप किए थे, रेप केस कर भी क्या, तब क्या दिक्कत है? हाँ तो वही बात, रेप जो है ना, रेप केस में हमको फंसा दिया गया है। हम शादी करोगे? शादी करेंगे, गार्जियन जो बोलेगा वही होगा, गार्जियन के ऊपर हमें। वहीं युवक कोर्ट से बेल ले चुका है और प्रेमिका उससे एक बार फिर शादी करने का दबाव बना रही है। वहीं इसी को लेकर वह खलीफाबाग चौक स्थित एक नवनिर्मित मकान में, जहां उसका प्रेमी काम कर रहा था, पहुंच गई और प्रेमिका कालर पकड़कर उसे बूढ़ा नाथ मंदिर ले गई।
जहां कई घंटों तक दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं प्रेमिका का कहना है कि अगर युवक उसे शादी नहीं करता तो वो जहर खाकर जान दे देगी, जबकि युवती की शादी पहले हो चुकी है और उसका पति रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जहां मंदिर के सामने लोगों की भीड़ खड़ी हो गई और सभी दोनों का तमाशा देखते नजर आए, वहीं गश्ती कर रही जोगसर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों प्रेमी जोड़े को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया है।